दोस्तों तो देख सकते हैं आप, ये है हमारी बैनपुरी की प्राचीनतम और प्रसिद्ध नदी। इस नदी का नाम है ईसन नदी। तो देख सकते हैं आप हमारी इस ईसन नदी को, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एक ज़माना हुआ करता था जो काफ़ी शुद्ध इसका पानी रहता था, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इसका पानी काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारी घास वगैरह जो पॉल्यूशन वगैरह होती है वो हमारी नदी में फेंकी जाती है। इसकी वजह से हमारा जो नदी का पानी है वो काफ़ी दूषित हो चुका है। ये अब किसी भी उपयोग में नहीं रहा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा कचरा भी पड़ा हुआ है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना सारा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों सो आज मैं आपको लेके आया हूँ बैनपुरी के कुरावली तिराहे पर। सो दोस्तों आज इस कुरावली तिराहे से मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईसन नदी का पुल और ईसन नदी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज आप इन ईसन नदी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आइए, हम आपको ले चलते हैं। बस कुछ ही देर में आपको ले चलने वाले हैं, तब तक आइए हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा कुरावली तिराया, यहाँ से आप पूरा लुक देख सकते हैं इसका, काफ़ी अच्छा लुक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये मतलब पुलिस वगैरह भी लगी रहती है, चेकिंग वगैरह भी होती है। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं ईसन नदी, चलिए आइए आप। दोस्तों तो देख सकते हैं आप, ये है हमारी बैनपुरी की प्राचीनतम और प्रसिद्ध नदी। इस नदी का नाम है ईसन नदी। तो देख सकते हैं आप हमारी इस ईसन नदी को, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एक ज़माना हुआ करता था जो काफ़ी शुद्ध इसका पानी रहता था, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इसका पानी काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी सारी घास वगैरह जो पॉलीथिन वगैरह होती है वो हमारी नदी में फेंकी जाती है। इसकी वजह से हमारा जो नदी का पानी है वो काफ़ी दूषित हो चुका है। ये अब किसी भी उपयोग में नहीं रहा है। अगर आप देख सकते यहाँ पे काफी ज्यादा कचरा भी पड़ा हुआ है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना सारा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, इस कचरे की वजह से हमारा पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसी पानी से हमारे खेतों की सिंचाई भी होती है। अगर ये जो पानी हमारा एकत्रित होकर शहर से हमारे गांव तक पहुंचता है और इसी पानी से गांव के जो लोग होते हैं वो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। अगर इस पानी को थोड़ा स्वच्छ रखा जाए तो काफ़ी अच्छे जो हमारे खेतों में जो रोग होते हैं वो रोग नहीं होंगे, हमारे खाद्य पदार्थ होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और उससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। आप देख सकते हैं भैया, अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएँ और मोटिवेट, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मोटिवेट मिला हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब चलिए भाइयों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैनपुरी का जो पुराना पुल था वो कैसा था और इस टाइम उसकी क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाने वाले हूँ। तो चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं अब आपको लेके आ गया हूँ, जो मैनपुरी का पुराना पुल है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। इस पर कुछ लोग भी रहने लगे हैं क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, इस वजह से ये हमारा साइड में देख सकते हैं ये हमारा दूसरा पुल बन गया है और अब इस पर गाड़ियाँ चलती हैं। और ये हमारा जिस पर हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं ये हमारा पुराना पुल है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना होने के कारण यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह सब बंद कर दी गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मकान भी लोगों ने बना लिए हैं। जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, वो क्या जिनके कुछ नहीं होता है वो यहाँ पे अपने उन्होंने घर बना लिए हैं। तो आइए हम इनसे मिलवाते हैं। भैया आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 4 साल से भैया। कितना? 4 साल से। 4 साल से। और जब आप यहाँ आए थे तो ये पुल ऐसा ही था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, तो आपके साथ साथ कौन रहता है यहाँ पे? कौन कौन सब रहते हैं हमारे यहाँ पर? परिवार, मम्मी पापा, पूरा परिवार रहता है? सब रहता है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? सिविल लाइन में। सिविल लाइन। अच्छा, और यहाँ पे मतलब पहले क्या क्या कुछ था जब आप आए? कुछ नहीं था, जब पुल भी नहीं था पहले, उस पर गाड़ी चलती थी। अच्छा, फिर ये बन गया वो वाला, फिर ये बंद हो गया। तो कोई ऑब्जेक्शन करता है आप यहाँ पे घर बना लिया, कोई कुछ कहता है कि हाँ क्यों घर बना लिया आपने यहाँ पे? नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा, तो चलिए काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे इन लोगों ने घर बना लिया, जिनके पहले घर नहीं था उनने आके इस पुल पे काफ़ी अच्छा अपना घर बनाया है और मतलब आराम से अपना जीवन व्यापन करते हैं। ये लोग काफ़ी अच्छे हैं, अपना आराम से काम भी करते हैं और इन लोगों को कुछ नहीं होता ना। वो लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भगवान मतलब सबको देता है, तो इन लोगों को अगर घर नहीं था तो भगवान ने कुछ समझ के इन्हें मतलब यहाँ पे ही रहने के लिए कुछ दे दिया है। तो इनका घर भी देख सकते हैं, इन भैया ने काफ़ी अच्छा अपना घर का लुक भी बना रखा है। इसी पुल पे ये लोग घर अपना सब लोग रहते हैं। ये देख सकते हैं आंटी वगैरह रोटी वगैरह बना रही हैं, ये सब लोग ये रहते हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ से हम नदी का सीन दिखाते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, हम एक नए मेहमान से मिलवाने वाले हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप? अरे भैया कुछ बता दो। अरे यार कुछ बता दे यार। अरे भाई, अरे रुक यार, ले माइक पकड़।
यार बात तो सुन, कुछ कहना चाहोगे? अरे ले, कुछ कह ले। अरे भाई भाई भाई, इसको रोक भाई। हेलो, कैसे हैं आप भाई? कुछ नहीं बोला, मतलब बेइज्जती कर दी भाई। भैया अब आपको लेके आ गए हैं हम नदी के राइट साइड में। बिल्कुल राइट साइड में भी क्या है कि देख सकते हैं आप दूर से कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी नीचे काफ़ी ज़्यादा झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। और इसके जस्ट बगल में हमारा है जो बी बाज़ार है, वो हमारा जस्ट बगल में, इसके बी बाज़ार भी खुला हुआ है। इसी ईसन नदी के बिल्कुल साइड में हमारा बी बाज़ार है। और इस राइट साइड में भी आपको नदी का नज़ारा दिखा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा कचड़ा हुआ है। राइट साइड, ये राइट साइड का नज़ारा है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत दूर तक दिखा रहे हैं आपको, दूर तक का सीन दिखा रहे हैं आपको वो। और यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि नदी के किनारे कुछ कुर्सियाँ भी डाल दी है, ताकि कुछ लोग जो मतलब एकदम घर से परेशान होके मतलब आराम से नदी के किनारे बैठ के अपना टाइम पास कर सकें। लेकिन वो सब तो करवा दिया, लेकिन नदी की सफाई करवाना सरकार भूल गई। क्योंकि अगर वो करवा देती तो शायद कुछ लोग जो आते वो यहाँ पे बैठ सकते थे। लेकिन यहाँ पे गंदगी की वजह से कोई नहीं आता है। शायद इसकी यही वजह है कि एक प्रदूषण बहुत यहाँ पे बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रदूषण की सफाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पन्नी वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, इनको भी प्रदूषण से काफ़ी दिक्कत होती होगी। मेरे मानना है कि इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि थोड़ा पन्नी और जो भी आपका सामान रहता है उसे देखकर फेंकना चाहिए। इससे कुछ ना कुछ हमको भी सीख मिलेगी और लोगों को सीख मिलेगी। तो भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं आगे तक पहुंचाएं, ताकि आगे तक लोग हमारे जागरूक हों कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी मोटिवेशन मिलता है तो हमारी वीडियो को आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।